हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं राधा रानी की ट्रेडिशनल लुक ड्रेस, जो कि गुजराती लुक में है। और इसे बनाना बहुत आसान है। और इसको गुजराती लुक देने के लिए मैंने कुछ मिरर वाली डेकोरेटिव लेस का यूज किया है, और इसी तरह का कुछ मैंने कपड़ा भी यूज किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर थोड़ी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसकी जब कटिंग करेंगे तो हम सबसे पहले जो माप होता है हमारा राधा रानी की कमर का, तो उसको हम देखेंगे कि जो अब हम कपड़े की जो हमने यहाँ पे जो लंबाई रखनी है वो रखनी है हमने 7 इंच। तो अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, इस पे यहाँ पे लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस वाले कॉर्नर पे जब हमने यहाँ पे टोटल 7 इंच रखना है इसको, तो 7 इंच से अलग हमने इस पे एक यहाँ पे निशान लगा लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। अब यहाँ से एक पार्ट पे हमने यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया, और इस वाले कॉर्नर को हमने जब 7 इंच रखना है तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया, और इसको भी यहाँ पे जो हमारा यहाँ हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, और इसको भी हम यहाँ पे टोटल 7 रखेंगे इसकी जो लेंथ है हमारी। और इस पे यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसको निशान लगाने के बाद ये हम यहाँ पे इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें, और इस पे एक इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो ये निशान लगाया जो हमने और एक ये निशान लगाया, इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। और मैच करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। ये जो निशान है इससे हम इसको कट कर लेंगे, कर लिया है। और जो ये पार्ट हमारा जुड़ा हुआ था इसको भी हमने कट कर लिया है। इस तरह से अब हमारे राधा रानी के लहंगे की कटिंग की हो चुकी है। और इसी शेप में हम बुकरम को भी कट कर लेंगे। सेम इसी शेप में हमने बुकरम को भी कट करना है, और बुकरम के भी 4 पार्ट हैं लहंगे के। अब ये जब हम सिलाई करेंगे तो हम किस तरह से सिलाई करेंगे कि जो हमारा पार्ट एक तो बिल्कुल सीधा है और एक तिरछा है, तो हम सीधे पार्ट को इधर बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से जब हम लहंगे को सिलेंगे। अब ये जो सीधा पार्ट है इसमें हम जब अटैच करेंगे तो इस वाले पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे जो हमारा तिकोना पार्ट है। अब ये हमारा फिर से सीधा पार्ट हो गया, इसमें फिर से हम तिकोने पार्ट को सिलेंगे। और जो हमारा चौथा पार्ट बचेगा इसमें ये जो सीधा पार्ट है इसमें हम तिकोने पार्ट को इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे। और सेम इसी तरह से पहले तो हम बुकरम को और मेंस जो हमारा फैब्रिक है उसके साथ अटैच कर लेंगे। जो हम लहंगे को जब सिलते हैं तो एक सीधा पार्ट और एक तिकोना पार्ट इस तरह से हम उसको अटैच करते हैं। इनको सिलने से पहले सबसे पहले हम इसको इस तरह से अटैच इनको हम पहले से तैयार कर लेंगे। एक हमने सीधा पार्ट रखना है, एक हमने तिकोना वाला पार्ट रखना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे सीधा वाला पार्ट रखना है, सॉरी इनके साथ अटैच करते हुए इनको साथ के साथ सिलेंगे, ताकि हमारा धागा भी बचे और टाइम भी बचे। इस तरह से मैंने आपको बताया है, इसी तरह से हम सिलेंगे। और बुकरम को भी हम इसी तरह से इसमें साथ के साथ इसमें लगा लेंगे, और इसको इस तरह से साथ में रख के इसको हम अटैच कर सकते हैं। अगर आपको सिलने में दिक्कत हो तो आप अलग अलग भी इनको स्टिच कर सकते हैं। मैं इनको एक साथ ही सिल रही हूँ। इस तरह हमने सारे जो हमारे फ्रिल हमने कट की थी उसको हमने अटैच कर लिया है। अब हम हमारे जो ये इधर उधर जा रहे हैं इन किनारों को हम बिल्कुल सही कर लेंगे एकदम गोलाई में। इसको गोलाई में इसको हम कट कर लेंगे। गोलाई हम कुछ इस तरह से लेंगे, इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकालते हुए जाएंगे। ये देखिए इसकी फ्रिल एकदम नीचे से गोलाई आकार में आ चुकी है। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इसकी जो हमने जहां से इसमें स्टिच किया है उस पे हम लेस लगा के इसको तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे गोल्डन लेस का यूज किया है, जैसे मेरे लहंगे का कलर है मेरी राधा रानी के लिए। आप अपने मनचाहे ड्रेस की लेस यूज कर सकते हैं इसमें। और जहां जहां पे इस पे मैं सिलाई लगाई है वहां वहां मैं लेस को यूज करूंगी इसमें।
तरह मैंने इसमें यहाँ लेस चारों तरफ लगा लिया है, जहाँ जिसको सिलाई लगाई थी जहाँ पे मैंने, और अब मैं नीचे की तरफ इस तरह की लेस का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरी लेस यूज कर सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहती हैं। तो मैं यहाँ पे मैचिंग लेस यूज कर रही हूँ। जब भी हम किसी कपड़े ऐसे ठाकुर जी के कपड़े में हम लेस लगा रहे होते हैं, तो लेस को हम बिल्कुल भी खींचते नहीं है, लेस को हम इजीली इस पे स्टिच करते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है और आप राधा रानी की ड्रेस बनाना चाहती हैं या फिर मशीन चलाना नहीं आता है, तो आप इसको सुई धागे से भी अच्छे स्टिच कर सकते हैं। लेस यूज करने के बाद, क्योंकि हम हैवी लहंगा बना रहे हैं, तो अब हमने मैंने यहाँ पे मिरर वाली जो मेरे पास लेस है इसको यूज कर रही हूँ, और इसकी जगह आप कोई और भी लेस यूज कर सकते हैं। ये मिरर वाली लेस है, तो इसको मैं बहुत आराम से लगाऊंगी, कहीं सुई हमारे टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको मैं इजीली इस पे स्टिच करूंगी, क्योंकि मिरर यहाँ पे है और सिलाई मैं इधर की तरफ लगा रही हूँ, अंदर की तरफ थोड़ा सा। हमने यहाँ पे लेस को स्टिच कर दिया है, और अब हम इसमें इस तरह से जैसे हमारी इस पे जो लेस का डिजाइन जा रहा है, इसी तरह से अब हम इस पे बेल चेन का यूज करेंगे। बेल चेन को हम फेविकॉल से लगाएंगे, ये इसमें हम फेविकॉल से बेल चेन लगाएंगे। पहले हम फेविकॉल को इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे, इस तरह किसी भी टूथपिक से या फिर कोई सलाई वगैरह से हम इसको सेट करते हुए जाएंगे। हमने यहाँ पे अब बेल चेन लगा दी है। अब हमारे पास जो लेस है इसको हम ऐसे पीसेस में कट करेंगे, और इसको अलग से हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। चूंकि हम बना रहे हैं राधा जी के लिए गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस, तो इस पे इस तरह से ही हम डेकोरेशन भी करेंगे, जैसे गुजराती ड्रेस का होता है, और हम इसको बड़े अच्छे से इसको गुजराती लुक देंगे। और इस तरह से ही हम एक और यहाँ पे लगाएंगे इसको, और इस तरह से डेकोरेट करेंगे इनको। ये हम बिल्कुल दूरी को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, ये जो दूरी है इनके बीच की। अब इन पे चारों तरफ हम बेल चैन लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे थोड़े से बीड्स। आने के बाद सारे हमने सारे जो फ्लावर्स लगाए हैं इसमें, सारे जो हमारे सर्कल्स हैं, अब इसमें हम एक एक लेयर लगाएंगे। हमारे पास बीड्स हैं, इनको भी हम पेस्ट करेंगे। ये मैंने इधर साइड में यहाँ पे बेल चैन और यहाँ पे बीड्स लगा दिए हैं। अब हम इस वाली साइड पे बीड्स लगाएंगे, और इस ड्रेस को हम सूखने के लिए कम से कम 10-15 मिनट छोड़ेंगे, ताकि जो हमारा फेविकॉल लगाया है वो छूटे ना, और हमारे जो ये बीड्स वगैरह लगाए हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे हम यहाँ भी चारों तरफ को बीड्स लगाएंगे, और बीड्स हमने ऐसे लगाने हैं लहर वाले टाइप में लगाने हैं, और बीड्स की जो सफाई होती है उसी से हमारी राधा रानी की जो ड्रेस है वो एकदम से बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। आप इसकी जगह दूसरी तरह के बीड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास अवेलेबल हो।
कि जो हमने जो फेविकॉल लगाया है और इसको स्टिच किया है, इसको हम सूखने देंगे। जब तक ये सूखता है तब तक हम राधा जी की चोली तैयार कर लेते हैं। की चोली बनाएंगे तो उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़े को डबल कर लिया है, छोटा सा कपड़ा कट किया है। और अब इसमें हम माप देखेंगे, तो माप पहले हम तो जो राधा रानी का माप है उसको हम देखेंगे। तो हम ये जैसे 4 नंबर 5 नंबर के जो खड़े हुए कान्हा जी होते हैं उनके लिए बना रहे हैं, ज्यादा बड़े कान्हा जी राधा रानी के लिए नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पे जो हम गला रखेंगे हम 1/2 इंच का रखेंगे इधर, और इसको इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे, सॉरी जो नीचे की गहराई रखेंगे वो रखेंगे हम 1 इंच, और उसको कुछ इस तरह से हम टेढ़ा सा कट करेंगे, जैसे हमारा यहाँ से सीधा और इधर से हम इसको थोड़े इधर से तिरछा सा कट कर देंगे। और ये रहेगी उनकी सोल्जर्स का माप रहेगा, उसको हम रखेंगे 1.25 इंच रखेंगे उधर, और इसको इस तरह से हम गोलाई कर लेंगे। और इसको फिर कुछ इस तरह से हम जैसे कोटी होती है कोटी वाला कट देंगे इस तरह से, दादाजी की चोली को काट लेंगे। और अब हम इस पे लैस, छोटी वाली जो लैस है हमारी पतली वाली लैस है, इसको लगा के हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। और इसमें मैं अस्तर का यूज नहीं कर रही हूँ, बुकरम का। और इस पे मैं इस तरह से हमारे पास जो लैस है उसी से इसके गले और इसके बाजू को सेट कर लूंगी। राधा जी की चोली को भी हम उसी तरह से सेट करेंगे जैसे हमने लहंगा तैयार किया है, इसको भी अच्छे से हम डेकोरेट करेंगे। इस तरह हमने राधा रानी की चोली को तैयार कर लिया है। ये हम जब राधा जी को कपड़े पहनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ से बांधने के काम आएंगे डोरिया, और ये पीछे की तरफ से। इस तरह से हमारे राधा रानी की लहंगा के साथ की चोली बन के रेडी हो गई है। और अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अब हम राधा रानी की चोली को सूखने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो हमारे बीट्स हैं वो सेट हो जाए। राधा रानी का लहंगा है वो सूख चुका है उसका फेविकॉल। अब हम जो राधा रानी के लहंगे के लिए ऊपर का जो ये फ्रिल होती है, नेफा होता है, इसको अब हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माप लिया है, तो ये है 5.5 इंच जो कमर का माप है 5.5। तो अब मैंने जो यहाँ पे कपड़ा लिया है इनके कटिंग की है, जो वो कटिंग की है 6 इंच की, क्योंकि ये 5.5 माप है। और हम इधर से और इधर से भी थोड़ा सा कपड़ा दबाएंगे तो ये 5.5 ही रह जाएगा। और जिसकी चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पे वो 2 इंच ली है, और जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे 1 इंच रह जाएगी। इस तरह से पहले हम यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इधर की तरफ से। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है, यहाँ से इस तरह से तैयार कर लिया है, दोनों किनारे से लिए हैं। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और इस तरह से यहाँ पे ऐसे इसको मशीन से इसको स्टिच कर लूंगी। राधा रानी का लहंगा बन के रेडी है। और ये मैंने नाड़ा जो यूज किया है वो पम्पम फ्लावर्स का यूज किया है, क्योंकि जो गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसमें पम्पम फ्लावर्स भी यूज हो रहे होते हैं। तो अब हमारा लहंगा रेडी है, तो अब हम राधा जी का दुपट्टा रेडी करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच चौड़ा कपड़ा, और जिसकी लंबाई है यहाँ पे 11 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। और अब हम इसको चारों तरफ इस पे लैस लगाएंगे। मैंने चारों तरफ इस पे लैस लगा ली है। और अब हमने जैसे हमने लहंगे को डेकोरेट किया था इसी तरह से इसी वाले सिक्वेंस में इस ये वाली लैस लगा के, और अब इसको हम डेकोरेट करेंगे दुपट्टे को बिल्कुल लहंगे की मैचिंग का। ये राधा रानी की फुल ड्रेस तैयार हो गई है बनके। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।